आई स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज कि आप एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज के बारे में क्या जानते हैं सबसे पहले मैं डिजिटल क्वांटिटीज की बात करता हूं कि द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वैरी इन अ नॉन कंटीन्यूअस मैनर आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जो नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर में चेंज हो रही होती हैं जिसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं होती बिल्कुल ये ऑपोजिट होती हैं टेम्परेचर इन द एयर से या फिर हमारे पास प्रेशर या डिस्टेंस से या इसकी एक और डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं द क्वांटिटीज़ विच इज प्रोसेस बाय डिजिटल सर्किट्स जो डिजिटल सर्किट्स में प्रोसेस हो रही हो फ़ॉर एग्जाम्पल मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम जो है डार सिस्टम डिजिटल टी डिजिटल कैमराज स्मार्ट आई डी कार्ड एंड यूजेस सारे के सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो ये सारी के सारी डिजिटल क्वान्टिटीज़ के कैटेगरी में आती हैं देन हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी द क्वांटिटी हुज वैल्यूज इज़ वेरी कंटिन्यूसली और रिमेन कॉन्सटेंट आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाई डिजिटल सर्किट्स इसको हम डिजिटल सर्किट्स में नहीं यूज़ कर सक रहे होते फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है टाइम है प्रेशर है डिस्टेंस है ये सारी की सारी अनलॉग क्वांटिटीज़ में आती हैं तो अगर आपके पे -पे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशंस और एक एक एग्जांपल्स लिख देनी है सबसे पहले डिजिटल क्वांटिटीज़ की लिख दें या अनलॉग क्वांटिटीज़ की लिख दें ये आप पे डिपेंड करता है